एग्जिट पोल जैसा परिणाम आया तो करेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन दामोदर यादव। जिला मुख्यालयों पर करेंगे चुनाव आयोग के पुतले दहन और धरना प्रदर्शन। आंदोलन की शुरुआत भोपाल एवं दतिया से 5 जून से की जाएगी। विगत 10 सालों में आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़े मीडिया हाउसेस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग व आयोग का असली खेल शुरू होता है। आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है और जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो, लेकिन सरकार उसी की बनाता है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जनादेश को लूटने की कोशिश हुई या फिर नकली जनादेश प्रस्तुत किया गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर चुनाव आयोग के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में नकली जनादेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ओबीसी फ्रंट प्रमुख तथा यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने भोपाल की पत्रकार वार्ता में कही। यादव ने कहा कि मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया जिले की सेवरा सीट से कांग्रेस को ठोकर मारकर लड़ा और बिना पार्टी के 30,000 वोट प्राप्त किए और सिर्फ 12,000 वोट से भाजपा से चुनाव हारा, जबकि कांग्रेस के अनेकों बड़े नेता 35,000 से 40,000 वोटों से चुनाव पार्टी के टिकट के बावजूद हारे और वही नेता अब कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे हैं। मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी है और 30,000 मतदाताओं के प्रति मेरी जवाबदेही भी है, इसलिए मैं कांग्रेस की तरह तमाशगीन बनकर नहीं बैठ सकता। कल सभी न्यूज चैनलों पर आए एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 से 29 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि मुझे पुख्ता जानकारी है कि 6 सीटों पर भाजपा की हार तय है और 4 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, उसी प्रकार 2023 में भी सही होने की आशंका के चलते मैंने संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के तत्वावधान में 5 जून 2024 से आंदोलन की श्रृंखला संपूर्ण प्रदेश में चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल में चुनाव आयोग का पुतला दहन करके और दतिया में चुनाव आयोग के साथ साथ प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले दहन की भी योजना बनाई गई है। इस बार का चुनाव मोदी वर्सेज जनता था, जिसका लाभ निठल्ली कांग्रेस को मिलने जा रहा है और वह बैठे बिठाई प्रदेश की 10 सीटों पर टक्कर करके 6 से 7 सीट जीतने जा रही है। अगर चुनाव आयोग मोदी सरकार से साठ गांठ करके असली जनादेश को बदल कर नकली जनादेश प्रस्तुत करती है तो हम दतिया भोपाल के पश्चात उन सीटों पर पहले आंदोलन चलाएंगे जिन पर भाजपा की हार और संयोग से कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सीधी और खरगोन मुख्य रूप से शामिल है। साथियों का बहुत बहुत स्वागत शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। हमारे सभी साथी ये हमारे छात्र नेता हैं, भोपाल के सौरभ यादव, ये अमित बंसोड़ जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और अम्बेडकर मिशन के साथी, राव आशीष जी हमारे मीडिया के साथी, हमारे कमल कुशवा जी जो हमारे PRO सब की 2014 में एग्जिट पोल आए थे और 2019 में भी आए थे, हर चुनाव में आते हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके से 2019 में आए थे तो हम लोगों को लगा था कि एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन फिर एग्जिट पोल सही निकल गए और भाजपा की सरकार बन गई। लोगों को EVM पे शंका हुई, चुनाव आयोग पे शंका हुई और बातें कान में फुसफुसाने का दौर चालू हुआ। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व फिर से एग्जिट पोल आए हैं, जहां आकलन सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, मीडिया के भी निष्पक्ष बंधुओं का ये था कि इस बार बराबरी की टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे हो सकती है, लेकिन फिर से एग्जिट पोल तक दिखा रहे हैं कि 350 से 450 तक सीटें मोदी जी ला रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम ये मानेंगे, हमारे सारे संगठन ये मानेंगे कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करके फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या क्षेत्रीय दल शांत रहें, लेकिन ओबीसी फ्रंट, दलित पिछड़ा समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच और हमारे जितने भी संगठन हैं उन सब ने बैठक करके कल निर्णय लिया है
कि हम सड़कों पर उतरेंगे लेकिन संविधान और लोकतंत्र को किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस चार दिन चर्चा करके और फिर गायब हो जाती है, उसके राष्ट्रीय नेता विदेश चले जाते हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे। बल्कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणाम आ जाते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन निरंतर रूप से चलाएंगे और किसी कीमत को नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं स्वयं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा और बिना कांग्रेस के लड़ा। मैं पहले कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष था, पिछले बार कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठोकर लगाई क्योंकि पिछले बार को टिकट कांग्रेस नहीं दे रही थी और चुनाव लड़के 30,000 वोट लाया, सिर्फ 12,000 वोटों से हारा, सिर्फ 12,000 से, बिना कांग्रेस के, बिना पार्टी, बड़ी पार्टियों के, और लड़ गया और 12,000 से मात्र हारा, जबकि कांग्रेस में ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जो 30-30, 40-40 हज़ार से कांग्रेस के टिकट के बावजूद हारे। इसलिए ऐसी निठल्ली पार्टी से हमें बहुत उम्मीद नहीं है कि वो संविधान बचाने के लिए कुछ बड़ा काम करेगी, लेकिन हमने तय कर लिया कि 4 को परिणाम आएंगे, 5 को दतिया में और भोपाल से ही शुरुआत कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पुतले दहन जगह जगह किए जाएंगे, सारे जिला मुख्यालयों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री जो देश के हैं, अगर वो गलत तरीके से बनने जा रहे हैं फिर से हमारे जनादेश का अपमान करके, हमारे वोट पे डाका डाल के, तो मंडल क्या एक माहौल है, क्या चर्चा है, उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। और आप भी उस बात को इसलिए मानेंगे क्योंकि ये सत्यता है कि अगर कोई सेठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, सारे नियम कानूनों को धता बता के उसको सरकारी, किसान 500 रुपए के लिए 5,000 रुपए के कर्जे में मर जाए और अडानी का कर्जा कितना माफ किया जाता है आपको मालूम है, और अब उस अगर वो आदमी चैनल खरीदेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। उस चैनल में काम करने वाले मीडिया के सभी साथी ईमानदारी से जाके लेकिन ऊपर रिपोर्ट देंगे, लेकिन दिखाया क्या जाएगा, ये आप बेहतर जानते हो, मुझसे बेहतर तो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए, मुझे मतलब कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है, मुझे मतलब चुनावी प्रक्रिया से है। अगर जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं, मेरा अपना अनुभव ये कहता है मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि मैंने मध्य प्रदेश खुद घूमा है, लेकिन पूरे देश का एक मेरा आकलन है कि 225 से नीचे बीजेपी को रहना चाहिए और 250 के लगभग इंडिया गठबंधन को 250 से ऊपर जाना चाहिए, और सीटें बकाया हैं जो किसी गठबंधन में लोग नहीं है उनके आने चाहिए। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए बड़ी स्पष्ट बात, मैं तो ये उम्मीद लगा के बैठा था, मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद मीडिया से होती है और मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मीडिया को आज़ाद कब कराएंगे हम, निश्चित रूप से जो जो चैनल बड़े बड़े नहीं, कांग्रेस की नहीं आएंगी। मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस तो किस्मत से जीत रही है क्योंकि यहाँ तीसरा दल नहीं है, तीसरा दल भी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है, हम लोग बनाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद उन सीटों पर मैं काम करने गया हूँ, इन जिन सीटों का मैं नाम ले रहा हूँ उसमें से 80% सीटें ऐसी हैं जहाँ मेरी सभाएं हुई हैं, कमलनाथ जी के यहाँ मेरी 25 सभाएं हुई हैं, मैं मंडला भी गया, सतना में भी, सभी जगह, भिंड मेरी खुद की लोकसभा क्षेत्र है जहाँ मैं, मेरे सब साथी 1,00,000 वोट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में सक्षम है, ग्वालियर में 50,000 वोट ट्रांसफर करने में सक्षम है, मुरैना में सक्षम है, क्योंकि हमारा संगठन है, नेटवर्क है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 सीट के लगभग तो कांग्रेस को जीतना ही चाहिए और 11 सीट के लगभग फाइट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं वाला हूँ, मेरी विधानसभा भी वही है, मेरी भिंड दतिया सीट वहाँ कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, मुरैना कांग्रेस जीतने की स्थिति में, या यूं मान लो कि भाजपा हारने की स्थिति में, ग्वालियर में बहुत जबरदस्त टक्कर है, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सीट पर भी बहुत टक्कर है मेरी जानकारी के अनुसार, कमलनाथ जी की सीट पर, मंडला सीट पर, सीधी सीट पर, सतना सीट पर, खरगोन सीट पर, रतलाम सीट पर, ये तो स्पष्ट है कि ये सीटें या तो 20-30 हज़ार से भाजपा जीतेगी या फिर 20-30 हज़ार से कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे, मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ इस विषय पे कि मोदी का सर्वे है उनकी फैंटेसी के लिए है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि परिणाम बदल के आएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि परिणाम बदल दिए गए हैं और किसी भी कीमत पर फिर कांग्रेस कहेगी कि 5 साल संघर्ष करेंगे, कब तक संघर्ष करते रहेंगे, 30 साल और संघर्ष करोगे तब तक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तानाशाही पूरी तरह से देश में आ जाएगी। इसलिए 5 तारीख को आप लोग भी सहयोग आप सबसे हमें चाहिए होगा इस संविधान को बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में, चुनावी प्रक्रिया को बचाने की लड़ाई में आप सबके से सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है
5 तारीख को यहां से लेके दतिया मेरा गृह जिला है और भोपाल राजधानी, इसलिए हम दोनों जिलों से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी सीटों के मैंने आपसे नाम लिए हैं उन सारी सीटों पर हम जाएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम करेंगे, ये सारी प्रक्रिया चलेगी और इसको हम लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। बस आधार देने का विषय नहीं है, चुनाव आयोग सहित ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ये ड्यूटी बनती है कि जब देश में किसी भी प्रक्रिया पे अगर शंका हो तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने आधार का सवाल पूछा है, सबसे बड़ा आधार यही है, चुनाव आयोग जवाब दे कि क्यों 11 दिन बाद चुनाव के पूरे मतदान के आंकड़े उजागर करता है। कब 11 दिन लगते थे? 11 दिन बाद करता है, 7% बढ़ा देता है, दूसरे राउंड में 5% बढ़ा देता है, तीसरे राउंड में 4% बढ़ा देता है। 24 घंटे पहले वही चुनाव आयोग बोलता है कि 55% वोटिंग हुई और 11 दिन बाद बोलता है कि 62% वोटिंग हो गई। आखिर जब शंका है ईवीएम पे, लोगों को शंका है चुनावी प्रक्रिया पे, एक और बड़ा आधार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को खंडित करते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिए, जिस तरह से दो धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, उनको तो बैन कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने बैन? स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक शाखा के रूप में काम कर रहा है और उसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे नजरिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी, एक आधे एग्जिट पोल बता रहा है कि 1 सीट आ सकती है। किसकी? कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मैंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और इस आधार पर जो हमारे संविधान बचाओ मंच के साथी हैं उनकी मदद करने का काम किया है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है। और अंबानी का चैनल होगा तो क्या दिखाएगा, एनडीटीवी क्या दिखाएगा, बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं, क्या दिखाएगा? क्या मैं मीडिया को गुलाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीडिया के वो चैनल जिनको बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने खरीद लिया है वो क्या दिखाएंगे? आप ही जवाब दे दो ना मुझे। नहीं, सच दिखाओ ना, सच दिखाओ, सच वो जो आप दिखा रहे हो। अगर एनडीटीवी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे, जो अडानी का चैनल, आपको अपेक्षा है कि अडानी और अंबानी का चैनल सच दिखा पाएगा? किस पे? नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या पूछना चाहते हो आप? आधार को क्या आप चाहते हो कि मैं जाके पूरा सर्वे करके प्रमाण ला के आपके सामने दूं? मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमें दिखेगा वो हम बोलेंगे। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, वो आपका विषय है। और मुझे मालूम है कि कौन मीडिया दिखाएगी और कौन नहीं दिखाएगी। इस देश में इस तरह मीडिया का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, धर्म का बंटवारा 2014 के पहले कभी नहीं था, जिस तरीके से अभी कर दिया गया, और यही देश के लिए खतरनाक है, यही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो यही नहीं आते। आप अपनी रिपोर्ट दोगे, आप जाके अभी दोगे और दिखाया क्या जाएगा उन चैनलों पे जिनको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप उसे कह रहे हो कि प्रमाण दो, उसका प्रमाण मैं कहां से दे दूं कि अडानी और नरेंद्र मोदी कौन सी चाय रात को बैठ के पी रहे हैं, मैं कहां से प्रमाण दे दूंगा इसका। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चैनल को बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है वो चैनल क्या करेंगे, वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ आप लोगों से यह है, अगर आपको लगता है कि निर्णय सही आया तो आप मत कवरेज करना, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी आपको भी दिखाई दे रही है। वैसे तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी प्रदर्शन आंदोलन होंगे, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, आप दिखाएंगे दोनों को और आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मेरी 5000 लोगों की भीड़ को इतना सा भी स्पेस नहीं मिलेगा। मैं दतिया ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, और 500 कदम भी नहीं चलेंगे नरोत्तम मिश्रा और उनको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिए, या कोई भी व्यक्तिगत साथी अपना
और किसी कीमत पर गलत परिणामों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आगामी 5 तारीख के लिए भी आप लोग अभी से मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूं कि गड़बड़ियां हो चुकी हैं और परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये होगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निठल्ली कांग्रेस कुछ करे ना करे, लेकिन हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम सारे संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी से मुखातिब हुए हैं। अब आप जिस संबंध में बात करना चाहें पूछ सकते हैं।